मैं मथुरा आ चुकी हूँ माँ काली की शरण में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे माँ काली की इतनी बड़ी प्रतिमा है। ये माँ काली का मंदिर भोपाल के चूना भट्टी चौराहे के पास में है। ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। माना जाता है कि इस मंदिर में देश विदेश के भी भक्त आते हैं सिर्फ यहाँ की आस्था से जुड़ने के लिए। आज आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपको मैं बताऊंगी इस मंदिर की और भी खासियत के बारे में। आइए मेरे साथ। माँ काली का अद्भुत विकराल रूप राजधानी भोपाल में माँ विजयासेन के मंदिर में देखने को मिलता है। यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। कहते हैं यहाँ 108 नींबू की माला चढ़ाने से माँ काली प्रसन्न होती है। माँ काली की महिमा अद्भुत है। माँ काली के यहाँ मूर्ति स्थापना को लेकर कई कथाएं हैं। हम जानेंगे पंडित जी से कि कैसे यहाँ माँ काली की मूर्ति की स्थापना की गई। ये माँ काली का विजयासेन का दरबार है और इस दरबार में इस वर्ष हम रजत जयंती महोत्सव मना रहे हैं। हमारे माँ के दरबार को 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं बनाए हुए, तो इसलिए इस वक्त रजत जयंती उत्सव चल रहा है। शाम को भजन संध्या होती है और अष्टमी को नवमी के दिन महाआरती होगी, भंडारा होगा दशमी के दिन। ये यहाँ के मेन फंक्शन है। जो भी स्वाद सामग्री यहाँ पर चढ़ती है उसका वितरण भी हम लोग नवमी के दिन करते थे, मगर इस वर्ष हम थोड़ा इसकी व्यवस्था में चेंजेस कर रहे हैं क्योंकि भीड़ बहुत आती है, धक्का मुक्की बहुत होती है। तो इसको हम अगले इतवार शरद पूर्णिमा के दिन सामग्री साड़ियों का वितरण, जितनी भी साड़ियां माँ के दरबार में चढ़ती हैं उनका सबका हम माँ बहनों को वितरण करते हैं। ये मेन फंक्शन है। एक आप मेरे लिए भी रखिएगा प्लीज माँ के आशीर्वाद के तौर पर। और मैं पूछना चाहूंगी कि प्रतिमा के बारे में आप कुछ बताइए, इसकी कब स्थापना हुई थी? 1998 में हुई ना, मैंने बताया ना 2500 वर्ष है ये रजत जयंती महोत्सव, उसी का मना रहे हैं। 98 में माता रानी विराजमान हुई थी। और बताइए इसका थोड़ा सा इतिहास बताइए। अब इतिहास तो देखिए, हमने भी नहीं सोचा था कि इतने बड़े रूप में माता जी आएंगी। रहा ये कि यहाँ पे तो गरीब से लेके अमीर, अनपढ़ से लेके IAS तक सब भक्त यहाँ पर जुड़े हैं। माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करती है तो ही तो जुड़े हैं ना। अच्छा, इस मंदिर की खास बात कुछ खासियत? अब ये तो माँ का देखिए, अच्छा मैं क्या मैं अपने मुख से बताऊं भाई, जो लोग भक्त आते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है ये तो विश्वास लेके हम यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। सेवा हम नहीं, देने वाली वो है, करने वाली वो है, हम तो एक माध्यम है कि हम लोग सेवा कर रहे हैं, मगर कराने वाली तो वो है ना, ये माँ। तो हमने देखा माँ का दरबार, यहाँ पे भक्तों की कतार लगी हुई थी। यहाँ पर हर भक्त के मन में एक अलग सी आस्था है माँ के प्रति। हमने पूरा मंदिर देखा, हमने पुजारी से बात की, पुजारी जी ने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई इस मंदिर के बारे में। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, ऐसे ही आप बने रहिए दखल न्यूज के साथ में। मैं सपना भाटी, मेरे साथ में है मेरे सहयोगी अदीप जी, देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।